आराम से सही से आ रहा। चलो रिकॉर्डिंग चालू है। बताना। चालू है रिकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, आज हम आए हैं फॉरेस्ट पार्क, जो कि ये नोएडा में है। आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग यहाँ पे आए भी होंगे, देखा होगा उन्होंने यहाँ पे। और आज वहीं पर हम आए हैं दिखाने आप कुछ यहाँ की कुछ ऐसी झलक जिससे आपको रूबरू कराते हैं, और कुछ नई चीज़ें शायद आपने नहीं देखा होगा और थोड़ा सा बहुत ही डरावना है। तो आओ चलो चलते हैं। चलो चलाए। क्या यही है क्या? यही है। आगे तो बंद है पूरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता था। अच्छा, आप देख रहे हो, बना भी है आगे से रास्ता जाने के लिए। कहाँ पे? ये है ना ये रास्ता। अच्छा हाँ, ये पूरी रास्ता बंद किया गया था किसी वजह से। अच्छा, किसी वजह से बंद किया गया था। अभी इस तार के को हम लांग कर जाएंगे आगे। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक तार है। पैर लो अपने। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक तार है। अगर आपका पैर इस पर गलती से भी अगर लग गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अभी देखो मैं इंटर कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही विशाल है और खतरनाक बड़ा। अच्छा रुक जाइए, मैं भी आ रहा हूँ इधर थोड़ा सा। तू भी आ जा भाई। अच्छा आगे तो ये तो थोड़ा सा आगे है रिकॉर्डिंग में। कोई नहीं, हम उनको काट देंगे, चलिए ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरा मुझे दीजिएगा। ये है फॉरेस्ट पार्क, जिसमें दूर दूर तक अभी आप देख रहे हैं ऐसा कोई नज़ारा कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और बाकी जगहों पे भी। और ये लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का एंजॉयमेंट जगह नहीं मिलेगा ना दोबारा देखने में, इसका मजा। अरे इधर आ, ये रिकॉर्ड मोड पे है अभी। बहुत ही विशाल खतरनाक ये कटा हुआ पेड़ आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही विशाल पेड़ रहा होगा काफ़ी समय पहले, ये अभी कट चुका है। तो आप ये जंगल आप देख रहे हैं कितना घना है और डरावना भी। चिड़ियों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होंगी कुछ इस तरह से। और इस जंगल की खासियत है कि यहाँ पे आपको हर तरह के वृक्ष, ज़्यादातर आपको बबूल के पेड़ मिलेंगे, और ख़तरनाक कुछ जीव जंतु भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ जानवर, सर्प, बिच्छू और कोबरा जैसे। और ये हमारे देखो दोस्त यहाँ का लुफ्त उठा रहे हैं पूरा पूरा सेल्फी, और ये जय सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी आनंद आ रहा है इन लोगों को भी यहाँ पे आकर के। लेकिन डर भी लग रहा है यहाँ पे कि अंदर इतना ज़्यादा भयानक जंगल है अब इसमें। हाँ वही मैंने भी अभी कहा इन सब बाकी अभी तो, और ये थोड़ा सा ये भी डर रहे हैं हमारे साथ जो हैं, ये भी डर रहे हैं लग रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अच्छा तो आप लोग डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल डर तो है ही, क्योंकि इतना घना जंगल है। ये घने जंगल में इतनी ज़्यादा हमने सुना था, लेकिन आज देखने में देखिए आसपास कहीं भी देखेंगे एक भी आदमी इधर नज़र नहीं आएगा आपको, ना तो इधर नज़र आ रहे हैं कोई, ना तो इधर इस साइड किसी तरफ भी कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए हम कैमरा घुमा कर चारों तरफ दिखा रहे हैं, किसी भी साइड कोई भी नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें डर लग रहा है। और हमारे पास काफ़ी एसेसरीज भी हैं,
हमारे पास, हम एक्चुअली में थोड़ा सा सावधानी और हमारे पास ऐसे हथियार और कुछ हम अपने सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ हम लेकर के यहाँ पे आए हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का, पता नहीं कब कौन क्या कर दे, इसलिए हमें अपने साथ सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल तो देखिए आपको, मैं मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको ये जंगल दिखाऊं, तो इसमें हमने एक जो शूटिंग करनी चाहिए थी वो शूटिंग भी उन्होंने पूरा किया था, उसके बाद हमें ये पता चला कि बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, उसके बाद भी कुछ बातें पता चली थी यहाँ पे कि ये चीज़ हो गई है, कुछ था बता नहीं सकते आपको, लेकिन तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है। और आप इससे पहले अभिषेक यहाँ पे विजिट किए थे आप कभी यहाँ पे, यहाँ का मज़ा जो भी अभी आपको आनंद आ रहा है, क्या आपने इससे पहले यही डर? आनंद क्या, ये यहाँ पे डर लग रहा है। पहले भी हमने जब उस समय किया था तो उसमें हमें पता नहीं था कि ऐसी बात है, लेकिन अब जब बात पता चली तो अब तो डर लग रहा है। तो मतलब आपने उस डर की वजह से आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? ना, वो बात नहीं है, वो मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए कि ऐसा जगह है जहाँ पे कि अभी भी ऐसी जगह। ये तो नोएडा में आता ना, गाजियाबाद में तो ऐसा नहीं ना, ये आता है आपका गाजियाबाद में ही आता है। ये गाजियाबाद में? बिल्कुल, ये गाजियाबाद में आता है। कितने लोग कहते हैं नोएडा में आता है, कितने लोग कहते हैं गाजियाबाद में आता है। देखो ये रास्ता भी बिल्कुल आपको सुनसान दिखेगा, जैसे हॉरर मूवी में। अच्छा देखो, अभी ये लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, हमने जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से वही सीन जहाँ से हम लोग अभी वहाँ पे आप पार करके आए थे। ये देखो जंगल है, रास्ता बंद है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे तार को पार करके, आपको थोड़ा सा ये कटीले तार दिख रहे होंगे, यहीं से हम पार करके अभी यहाँ पे आए थे और अभी हम यहाँ पर हैं। और ये रास्ता बिल्कुल सीधे गया हुआ है और हम अभी आपको बता नहीं सकते कि रास्ता कितना बड़ा है, लेकिन ये है बहुत ही बड़ा है, आप देख रहे हैं ये रास्ता है बहुत दूर तक गया हुआ है। जब हम आए थे उस समय भी हमने देखा था, लेकिन ये सारी चीजें पता नहीं थी हमें, लेकिन अब पता चल रहा है। यहाँ पे देखो सूर्य की रोशनी भी आपको दिख जाएगी। बहुत घनी जंगल है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ना धूप ना आने की वजह से यहाँ पे देखेंगे तो नीचे कुछ पेड़ पौधे भी नहीं उगे हैं। पेड़ की वजह से थोड़ी सी छाया है, अदरवाइज यहाँ पे धूप भी बहुत कड़ी है। मौसम भी ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा थोड़ा गर्म हुआ है मौसम, जिस तो हमने हिम्मत करी आने की। और कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं लकड़ियाँ वगैरह और पत्ते झड़ चुके हैं अभी। और तो आइए चलते हैं उधर, तो आइए अब आपको लेके चलते हैं थोड़े से घनी एरिया में, देख कर थोड़ा सा डर जाएंगे, और डरना अवश्य है। यहाँ बहुत संभाल के चल रहा है बच्चा कौन है? यहाँ सब संभाल के चल रहा, बहुत कांटे वाटे हैं, देखो ये कांटे, ये देख रहे हो आप? हाँ, लुक एट दिस। यहाँ पर आकर के हम थोड़ा एक सेल्फी लेना चाहते हैं। ऑन हो गया? देखो हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ बच्चे हैं जो अभी उसी रास्ते से आने की कोशिश कर रहे हैं, ये आ रहे हैं सारे। आज संडे है इस वजह से ये भी इसका एंजॉय लेना चाहते हैं, इस घने जंगल का। और ये बढ़ते चले आ रहे हैं हमारी साइड। जैसे कि हमसे कुछ अलग क्वेश्चन करें, मुझसे पहले यहाँ से निकल लेंगे क्या, क्योंकि बच्चे हैं, इनको बताना भी ज़रूरी है यहाँ के बारे में। और ये रास्ता उतना ही खतरनाक है जितना तो कि इनसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये लोगों से पूछते हैं कि आखिर में ये लोग कहाँ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये लोग भी आप लोग किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप लोग? यहीं से आप लोग या फिर कहाँ से आप लोग? खोड़ा। खोड़ा से। इस जंगल के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? हाँ, हम दो बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे डर नहीं लगता आप लोग को आने में? नहीं, एक बार आ रखे तो कुछ हुआ नहीं, दूसरी बार भी आए तो कुछ हुआ नहीं, तीसरी बार तो इसलिए आप तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कुछ नहीं होगा क्या? ओके, और इस जंगल की कोई विशेषता ऐसा आप बताना चाहेंगे?
मोर रहते हैं। हाँ, इधर हम पहली बार आए थे तो हमने मोर देखा था। दूसरी बार हम आए मोर और भैंस। कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो हम आपको ले चलते हैं। ये भी आप लोग इधर कौन सी कॉलोनी से आप लोग? खोड़ा से। तो चलो हम लोग भी इधर ही चलते। ये कहाँ पड़ता है ये खोड़ा में? ये कहाँ, नोएडा में पड़ता है? 12-22। अच्छा 22, इसका नाम 22 है। और इसका फॉरेस्ट का क्या नाम है? पार्क का खरगोश पार्क, रैबिट पार्क। अरे वाह, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा तो उधर भी खुला हुआ है क्या? बहुत है अंदर, बहुत है। अच्छा वो रास्ता नहीं भटकी है, वो अपना काम कर रही है। जंगलों में भैंस? हाँ जंगली भैंस है ना वो, अपना काम करने के लिए जंगल में आए हुए हैं, तो हमें लगता है भैंस और इंसान कोई फर्क नहीं है। आपको किसके नाम से? द वाइब्रेट ग्रुप। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि ये लोग भी घूमने आए हैं यहाँ पर। अच्छा। जंगल को देखने के लिए कि संडे है, आप लोग स्कूल जाते होंगे? किस क्लास में आप लोग? सही है। आइए तो ये लोग भी यहाँ का मतलब जो भी है थोड़ा सा डरावना सीन उसे देखने भी आए हैं, और हम भी उसी तेरे। अगर इस आप लोग कभी रोड को छोड़ कर के अंदर जाने की कोशिश की? हाँ बहुत बार। तो कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ से जाना सेफ हो? अच्छा आइए आगे चलिए, आगे चलिए। मुझे लगता है इसके आगे से जंगल खत्म है क्या? कैसे इधर से? अगर आप चाहो तो एक उधर से रास्ता, एक उधर से रास्ता। अच्छा जंगल नहीं, हमारे भाई कैमरा चल भी रहा। मैं आगे जाऊँ तो अंदर चलना है। देखो बच्चों को थोड़ा सा आनंद आ रहा है कैमरे के सामने आने में। और ये कब आएगा भैया यूट्यूब पे? आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा ये वीडियो। हाँ कब मिलेगा ये? आज जाएगा स्टूडियो तो कल तक ये पब्लिश हो जाएगा, कल तक ये पब्लिश होगा। और इसका थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल भी लिखेंगे। द वाइब्रेट ग्रुप लिख लो आप लोग, अगर कहीं लिखना है तो। पेन तो नहीं है, फोन है, नंबर बता दो मैं आपको सेंड कर देता हूँ नंबर तो। अच्छा हमारा फेसबुक पे, फेसबुक है भाई, आप चला दो फेसबुक लिंक भेज दीजिए। स्पेलिंग बता दो, व्हाट्सएप नंबर बताओ। हाँ बता दो। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस करा है गानों पे? जैसे कि कूड़ा का ढेर देखिए। अब यहाँ पे एक तालाब है छोटा सा, आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये थोड़ा सूख चुका है अभी, और इसमें थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गैपिंग है इसमें। आप देख रहे हैं, मैं पास करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ये फटी हुई है बिल्कुल, ये धरती फट गई है, ये धरती फटी हुई है। और ये देखो हम जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, और इन बच्चों का उल्लास देखो, क्योंकि ये लोग इससे पहले यहाँ पे आ चुके हैं। और मैंने इन लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने चैनल का नाम, द वाइब्रेट ग्रुप, प्लीज सब्सक्राइब। हाँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब योर सेल्फी। ये सलाह क्या लगा दिया, सेल्फी ले रहे हैं ये लोग। और हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई चोर उचक्के ना मिल जाए, और सामान जान और माल का भी डर है, हानि है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये देखो पूरा कंप्लीट ग्रुप है ये सारे,
सभी लोग हैं यहाँ पे। कुछ अनजान बच्चे भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, मगर अच्छा लगा इनके साथ कंपनी इनके साथ। और आप लोग एक साइब्री में एक फोटो लेना चाहता हूँ इससे, एक साथ ग्रुप में हो जाइए। छोटे बच्चे बैठ जाएंगे, बड़े लोग खड़े हो जाएंगे। मैं एक फोटो ग्रुप फोटो लेना चाहता हूँ इन लोगों के साथ में। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी लेने के चक्कर में थोड़ा टाइम लगा। और राम, देखो कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि ये जो श्री राम की कथा लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, जो श्री राम की कथा लिखी गई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जी इसी जंगलों में, इनके दादाजी बोल रहे थे ये बात, इस जंगलों में वो भटके थे सीता और राम, और जो रामायण के नाम से कथा लिखी गई थी वाल्मीकि जी के थ्रू। और यहाँ पे कुछ हमें यातायात के साधन भी दिख रहे हैं बहुत ही दूर, आप देखना चाहेंगे तो एक ट्रक खड़ी है उतनी दूर है और वो कैमरे से ही दिखेगा आप लोगों को, आप लोग ऐसे देखने की कोशिश करिए, देखो इस पे क्या लिखा है, सब है और... आज वो भी नजदीक आ गया, जब लोग गाना गा रहे थे मैं देखा तेरी फोटो, सौ सौ बार कूड़े, देखिए यहाँ पे कूड़े इतने सारे पड़े हुए हैं, ये इन्होंने एक शायर भी कह दिया देखिए। देखिए कुछ मशीन है यहाँ पे कूड़े को पाकिस्तान वालों की माँ का भोपड़ा। बच्चों से अनुरोध है कृपया गाली न दें, और क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो आप पब्लिश हो जाएंगे थोड़ी देर में। और ये देखो हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, प्रियांशु दिवाकर, और आप कन्हैया, लाला मेरे लाला। आपका नाम लाला नहीं, अभिषेक, अभिषेक का नाम है क्या, लाला ऋतिका, ऋतिका, ऋतिक रोशन और ऋतिका, और आप आकाश, आकाश चावल। ये हमारा ग्रुप है यहाँ पे, और हम कोशिश करते हैं ना कि तुम्हें पिटे, क्या हम इस बीच से वापस उस रोड पे आ सकते हैं। देखो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोन देखो मैं सोच रहा हूँ ना अभी इस रास्ते से जाने की सोच रहा हूँ, क्या हम उस रोड पहुँच जाएंगे अगर खतरा ना हो तो। नहीं खतरा कुछ नहीं है, जरूर पहुँचेंगे। आओ फिर आओ, आप लोग भी अगर साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा, और हमारी रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट करने में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इधर कांटे पड़े रहते थोड़ा ध्यान से, कांटे और फूल ये तो लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये लोग जंगलों में, बच्चों को जरा सा भी डर नहीं है, और ये बिल्कुल ही चीरते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। ये जूते देखो, मुझे बहुत दूर तक आना जाना होता है इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है कभी जूतों की, और वैली पहना करो ना बढ़िया कंपनी, चलो उधर थोड़ा डेंजर सा लग रहा है, भाई ने कहा कि उधर थोड़ा डेंजर सा लग रहा है, तो इनका व्यू भी देख लेते हैं एक बार कि आखिर में यहाँ पे डेंजर क्या है। चलिए ये पूरी ग्रुप हमारी, हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारा ग्रुप, ये देखो दौड़ते हुए ये जंगली भैंस, ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जंगली भैंस है, और अगर आप पहचानते होंगे जंगली भैंसों को तो आप, ये जय जी ने कहा है कि ये दूध नहीं देती, ये देखो ये बहुत ही भैंस का भी नस्ल एकदम
खतरनाक दिख रहा है, बच्चों वेरी डेंजरस, बच्चे इंग्लिश में बताते हुए कि वेरी डेंजरस भैंस बफेलो, वेरी डेंजरस, अरे वेरी डेंजरस बफेलो। आप लोग थोड़ा संभाल के आइएगा क्योंकि यहाँ पे ना कांटे बहुत हैं। देखो अगर हम चाहे तो आपको पाव भी दिखला सकते हैं, हमारे पाव कितने कांटे घुस रखे हैं, और घुस रहे नहीं हैं। ये देखिए हड़िया हड़िया ऊपर, ये देखिए रुक 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 रुक, उठाइए भाई, भाई कांटा लगाओ। ये देखिए इनके पैरों में काट फंसा हुआ है, जा दिखलाओ मेरे कांटे भी देखो। बच्चे थोड़ा सा परेशान है, शायद मैं गलत रास्ते बुला दिया इन लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। डर है तो जीत है, और डर के आगे ही जीत है। माउंटेन ड्यू पीने वाले बच्चे, वो मर गया और जो ना डरा वो जिंदा रह गया। चलो भैया आगे, ये खो, ये है, ये होता है जिगरा जिगरा जिगरा। ये भी थोड़ा सा डेंजर लग रहे हैं देखने मुझे, जिगरा की बात कहते हुए आगे निकलते हुए हमारे सारे दोस्त। किस रास्ते से जाएंगे अंदर? अबे घर के रास्ते से, घर के रास्ते से चलेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, और ये देखो रहा हमारा इस जंगल, हम यहाँ कई दिनों से आने की कोशिश कर रहे थे, और थोड़ा सा भाइयों का सहयोग मिला मुझे यहाँ पे पूरा पूरा। और ये लोग खोड़ा कॉलोनी से हैं, कुछ लोग थापड़ गेट से हैं, और देखो वहाँ पर कुछ पब्लिक जा रही है। सब खोड़ा कॉलोनी से, ये आपको दिखाना चाहेंगे बच्चों, खुला ये यहाँ से ये लोग देखो, ये भी जंगल घूमने आए हैं, और हमने दूर से लेने की कोशिश की है इनको, और आप लोगों को भी कैमरे में दिखा देते हैं। वो लोग देखो वहाँ पे हैं, इनको हम कैमरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रहे ये लोग सेल्फी ले रहे हैं वहाँ से, यहाँ से पता नहीं चला लेकिन कैमरे में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे बंदर भी है, ये बंदर का घर है, कहाँ बंदर है? और बंदर, बंदर जहाँ बैठ जाता है वहाँ पे रास्ता बना लेता है। कहाँ है बंदर? बंदर भाग गया बंदर, आप बंदर के चक्कर मत पड़े। तो आप यहाँ ज्यादातर मोर भी रहते हैं, आगे मिलेंगे शायद, गर्मी की छुट्टी मनाने गए। हाँ। देखिए ये एक वृक्ष था जो टूट कट चुका है अभी, लेकिन देखने में बहुत ही डरावना सा लग रहा है। कोई सा बैठ गया, माय गॉड बच जाए तो। बहुत ही विशाल पेड़ रहा होगा ये अपने समय में, कहा दो हाथ का पेड़ होगा। कोई नहीं, हमने बस दिखाने की कोशिश करी थोड़ी। और देखो ये लोग चढ़ चुके हैं, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा पूरा लुफ्त उठाते हुए। जय और अभिषेक, हम इनको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे भाई साहब भी, द्विवेदी जी, क्या नाम है आपका? दिवाकर। दिवाकर, इनका नाम दिवाकर द्विवेदी है, पाकर द्विवेदी, पाकर द्विवेदी चाहे छोड़कर द्विवेदी, लेकिन द्विवेदी दिवाकर नाम है इनका। हमारे यहाँ एक सिंगर हुआ करते थे दिवाकर द्विवेदी के नाम से, फैजाबाद के रहने वाले थे वो, और ये हमारे खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक ग्रुप है 5 लड़कों का, आपस में कुछ बात विमर्श कर रहे हैं। देखो ये उतर गए वहां से, ये भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगा छक्का, फाइनली ये लोग उतर गए हैं। और हम इस पेड़, ये पेड़ बहुत ही विशाल है, हम एक बार चढ़कर इस पे देखना चाहेंगे। थोड़ा सा डर है कि कैमरा ना गिर जाए, लेकिन हम ये देखो बच्चों का भव्य दृश्य, भारत माता की जयकार लगाते हुए। शायद पुलवामा अटैक में हुए का हमले का इन्हें भी अफसोस है, और सभी बच्चे मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से शायद इन्हें थोड़ा सा हिम्मत मिल रहा है, और जंगलों में चलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, और ये बच्चे मन के सच्चे। जय जी यहाँ पे इनके साथ, और ये लोग चल दिए हैं। मैं अभी भी उसी वृक्ष पे खड़ा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ से करीब 10 फीट नीचे ज़मीन है, आप देख रहे होंगे, और अभी मैं
कूदने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं इससे चलकर उतरना पसंद करूंगा। और ये देखो पेड़, मुझे लगता है गिरा हुआ पेड़ है ये, इसकी जड़ें यहाँ तक और ये टूट चुका है पेड़, लेकिन अपने आप में वृक्ष ही जीवन है ऐसा हमें पता है। और ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, जय और अभिषेक। यहाँ पे ये लोग हर जगह सेल्फी लेना पसंद करते हैं, ये लोग वहाँ भी सेल्फी ले रहे हैं। हम चलते हैं अभी फटाफट उनके पास, और रास्ता थोड़ा सा कटीले हैं, कटीला रास्ता है यानी कांटों से भरा, मगर हम जल्दी ही इनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये करीब आ चुके हैं मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है। यार रिकॉर्डिंग मत करना भाई, बोल भैया की वीडियो बनाओ, कॉमेडी भैया, कॉमेडी सीन। बहुत ही खूबसूरत है ये दृश्य खूबसूरत। बच्चे यहाँ पर हैं, दूर हैं, और ये खूबसूरत पेड़ जहाँ से मैंने लेने की कोशिश। ये बच्चे हंसी मजाक थोड़ा सा कर रहे हैं। हम चल रहे अभी इन्हीं के साथ कंपनी देने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे फाइट कर रहे हैं। देखो मार हो गई यहाँ पे बच्चे, बच्चे लड़ाई ना करें आप लोग, अगर कुछ करना ही है तो थोड़ा सा अपना कला दिखाएं। भाई को मार रहे हैं। हाँ कोई नहीं, हम इन्हें भी कैमरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो हम प्रूफ दिखा देंगे। कोई रो रहा है वहाँ पे नीचे, बस जूम करके दिखाओ। ये रोता हुआ लड़का इसको उठा दिया है उसने, ये बचाने गए दिवाकर जी। हॉस्पिटल दूर है, लगता है बच्चे मजाक कर रहे हैं। ये देखो सेल्फी मास्टर, सेल्फी ले रहे हैं ये अभिषेक। तो कुछ अभिषेक से मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कहें। एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है शांत बिल्कुल, इसको लग रहा है लड़ाई पसंद नहीं है इन्हें, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा होता है, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तैयारी कर रहे हैं। चप्पल टूट गया है, कोई बात नहीं, चप्पल नहीं कांटा, कांटा टूट गया है चप्पल में ऐसा। आप लोग का एक और ग्रुप फोटो में लेना चाहूंगा, नीचे बैठ जाओ, बैठो ये बैठ, इसको इसको पकड़ के भाई आ गया, अब इधर आना तू, बैठ बैठ बैठ, ठीक है ठीक है, ओए आ जाओ किसी में, आ सब पूछ लो, चले जाओ निकल दूसरा पार्ट, फिर कुत्ता कुत्ता। ठीक है भाई, कब आएगी, कल आ जाएगी।